बैठ के आपको दिखाएंगे भी चावल कैसे बने हैं। लगे तेरे नहीं ऑफिस रोड निकले थी। अभी हमारा प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हुआ, जैसे भी ब्राउन होता है तो फिर हम इसमें जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट टमाटर जो हमने चॉप किया था वो ऐड कर देंगे, उनको अच्छी तरह भुनेंगे, फिर बाद में हम अपने जड़ कर देंगे। बनाया हुआ था उसमें हमने डाल दिया है प्याज में, प्याज गर्म हो गया था। हम इसमें बुनाई के लिए हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह बन जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन अदर वीडियो। हमारी प्रोग्राम से आज का हम व्लॉग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत करते होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मसर का सालन और साथ में हम मसर चावल बनाएंगे, हम आज बॉइल करेंगे चावल। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आज छुट्टी थी हमारी, ये दिन था। कर रहे हैं जाती मेरे साथ, वो चावल मैंने खाने नहीं है तो ये देखे ना, चावल भी बना रहे हैं। हम दूसरे चावल बना सकते कर रहे हैं, चलो करो भाई, मैं दाल साफ करता हूँ, चावल आओ लोग खाना। आज संडे था, छुट्टी थी, सारा दिन आज हम लोग तकरीबन सोए हैं, काम शाम कुछ नहीं किया, बस नाश्ता किया, फिर आगे सो गए। आए तो कपड़े भी नहीं धोए, तो अभी उठने हैं तो पता चलो कुछ अपने लिए खाने के लिए बना रहे हैं और आपके साथ भी थोड़ा शेयर कर दें, आपके साथ भी थोड़ी बात हो जाए। तो अभी हम बनाएंगे आज मज़ेदार किस्म के जो है वो मक्खन चावल, मक्खन का सालन बनाएंगे और साथ में चावल जो है वाइट चावल बनाएंगे, तड़के वाले भी बनाएंगे, वाइट चावल सफेद चावल बनाएंगे। तो आपके सामने हमने सामान वगैरह ले लिया है, काटना भी शुरू कर दिया है। आपके भाई जो हैं वो जो मसर है साफ उनको साफ कर रहा हूँ कर रहे हैं। तो पहले हम सालन बनाएंगे उसके साथ, उसके बाद फिर हम चावल बॉइल कर लेंगे और फिर आपके साथ बैठ के आपको दिखाएंगे भी चावल कैसे बने हैं, आपको भी दिखाएंगे। बाकी दोस्त एक हमारा दो यार चलान फिर सेंटर तो चल गए थे यार, किसे और एटीएम मार लेना नहीं, मतलब हेलमेट है नहीं, तेरे साठ तो नहीं लगी तेरे दाल कर लिया साफ, हो गई थी जल्दी। हाँ जी भाई देखो यार चावल किधर रखे हैं, चलो मैं अभी काम रोड निकले थी और चॉपर मशीन भी ले आना।
और डनी मिर्चा मार दी ना तोड़नी मिर्चा लगी नहीं है यार कोई चीज ना लाए यार मैं मिर्चा दे तो अगले आठ मार वही चावल कड़े ले गए हो सुपर कायनात सुपर कायनात स्वयं कायनात मिलते हैं आपको। हमने अपने जो है 2 से 3 प्याज लिए थे, हमने बड़ी काट ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना रही है, दाल भी साफ कर ली है, चावल भी साफ कर लिए हैं। अभी याकूब साहब जो है वो धनिया काट रहे हैं, काट के इसको धोएंगे उसके बाद। तो अभी हम चलते हैं अपने किचन में, तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है कुकिंग का वो हम किचन में चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे हम चावल बनाएंगे, फिर उसके बाद चावल बॉइल करेंगे। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो व्यूअर्स, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे, ऐड करेंगे हमने अपना ऑयल। ऑयल जो है वो काफी है, डाल करिए ऑयल हमारा गर्म हो जाए। तो हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज हम जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए, घी गर्म हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे। वैसे हम सबसे पहले हम दाल बनाएंगे, क्योंकि दाल में काफ़ी टाइम लगता है। चावल हम बाद में बॉयल करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हम दाल तैयार कर रहे हैं अपने घरेलू स्टाइल से, देसी स्टाइल से। तो ऑयल हमने डाल दिए, तो आज हम कढ़ाई नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि दाल बनानी है, कढ़ाई छोटी है। तो हम आज चीज़ बनाएंगे अपने मसर का सालन, साबुत मसर। और हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे हमारी बारीक कटी हुई प्याज जो हमने धो के की तरह से काट ली। इसको हम करेंगे ब्राउन, जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा जैसे प्याज बिल्कुल मिलते हैं हम पता मिलने के बाद, अच्छा हमारा प्याज जो है ब्राउन हो जाए, फिर आपको आगे उसका बताते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हमारा प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हुआ, तो थोड़ी देर में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डाल के फिर जो है बाद में हम इसको पानी लगाएंगे। जैसे ही पानी का बॉयल आएगा फिर हम अपने जो है मसल साबुत मसल इसमें ऐड करते हैं। मसल चावल जो है वो सब लोग ही तकरीबन पसंद करते हैं क्योंकि बहुत मज़े के बनते हैं। चावल भी जब बॉयल करते हैं तो वो बहुत लाइट हो जाते हैं, उनकी जो उनका जो पानी है वो निकल जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं। पर सालन सब सालन डाल के थोड़ा सा प्याज थोड़ा सी चटनी बना लें आप दही की, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। आप भी अपने घर में ट्राई करें। तो अभी जो है हमारा प्याज ब्राउन हुआ नहीं है, तो जैसे भी ब्राउन होता है तो फिर हम इसमें जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट टमाटर जो हमने चॉप किया था वो ऐड कर देंगे, उनको अच्छी तरह भुनेंगे। फिर बाद में हम अपने जो है और जो घर के देसी मसाले होते हैं वो डालेंगे इंशाल्लाह। बिकॉज हम जो है वो सारी जो है देसी हांडियाँ बनाते हैं, अपने घर में जो यूज होता है चीज़ें वही हम डालते हैं। घर में जैसे सालन बनता है वैसे सिंपल सादा देसी तरीके से जो है वो हम बनाते हैं। कोई हम क्या कहते हैं उतने बड़े शेफ भी नहीं है, बस ये जैसे देसी तरीके से घर में बनते हैं, हमारी माएँ बनाती हैं, हमारी सिस्टर्स बनाती हैं, जो भी वो डालती हैं वही हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, सब लोग आसानी से बना सकते हैं। जो चीज़ देसी स्टाइल से बनती है वो आप जब भी खाएंगे आपको टेस्ट वैसा ही मिलेगा जो पहली दफ़ा खाने में मिलता है। तो जो आप बनाते हैं स्पाइसेस डाल के, वो स्पाइसेस उसी गरम गरम जो है वही तभी खाया जाता है। बाद में मसाले इतने हो जाते हैं कि बाद में इंसान का दिल नहीं करता जब एक चीज़ ठंडी हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं देसी चीज़ें हैं जो आप जितनी बार खाएंगे इसका टेस्ट और बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो देसी चीज़ें जो हैं वो देसी होती हैं, जो हमारे शेफ हज़रात बनाते हैं मसाले वगैरह ऐड करके, स्पाइसेस ऐड करके, बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो ऐड करके, वो फिर दिन में एक बार ही खाया जाता है जब ताज़ा बनता है, उसके बाद फिर उसको खाने का दिल भी नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं देसी जो ट्रेडिशनल चीज़ तरीके से बनती हैं, जैसे घरेलू हमारे मसाला जाते हैं वो डाल के बनती हैं, वो तो
हम जितनी बार खाएंगे आप उतना ही टेस्ट आएगा। अभी बस हमारा प्याज जो है ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट हमने चॉपर में चॉप किया था वो ऐड कर देंगे। हमने अपने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था उसमें हमने डाल दिया है प्याज में, प्याज गर्म हो गया था उसका, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह झाड़ लेंगे क्योंकि इसमें भी हमारा जो मसाला है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसके इसमें पक जाता है, इसको भी अच्छी तरह हम झाड़ लेंगे। ये हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे, जो बाद में हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम ऐड करेंगे हम इसमें अपने जो है स्पाइसेस, एक से डेढ़ चम्मच जो है वो नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे, सिर्फ कलर के लिए हम तकरीबन आधी चम्मच जो है वो इसमें ऐड करेंगे सूखी मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च ऐड करेंगे हम एक से दो चम्मच, बिल्कुल अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छा हम इसमें बनाई के लिए हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं हमारे के लिए स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह बन जाए। बहुत ही मजे के टेस्टी किस्म के जो है वो चावल बनाएंगे हम, अच्छी तरह मसाला भून लेंगे ताकि जो है हमारा जो मर्जी ग्रेवी है सालन की मसल के सालन वो अच्छी तरह एक जान हो जाए ताकि अच्छी बन जाए, क्योंकि स्पाइसी इसमें ज़्यादा रखे मुझे आपने चावल भी डाल के खानी है इसलिए मैंने में थोड़ी सी जो है वो रेड चिली पाउडर वो भी ऐड किया है, ग्रीन चिली भी हमने चॉप में बना लिया था पेस्ट में बना ली थी। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जैसे पानी का बॉयल आएगा पहला बॉयल आएगा तो पानी पकने लगेगा, फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। व्यूअर्स पानी हमारा पकना शुरू हो गया है, ठीक है, तो अब हम इसमें हमारे जो है वो मसाले साबुत वो ऐड कर देंगे, मसाला हमने ऐड कर दिया, तो अभी इसमें टाइम लगेगा तकरीबन आधा पौना घंटा टाइम लगेगा पकने में, मसाले को गलने में सही तरह से, तो अभी इसको हम दोबारा से ढक्कन लगाते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स सालन हमारा तैयार हो चुका था, हमने इसमें जो है वो ग्रीन धनिया डाल के तो उसको सर्वे कर दिया, अब हम चावल बॉयल करेंगे, चावलों के लिए हमने पानी ले लिया, इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं क्योंकि नमक जो चावल है नमक डाल के बॉयल ताकि जो चावल है वो नमकीन हो जाए, सालन में भी हमने नमक अपने हिसाब से कम ही रखा था तो हमने इसमें डाल दिया, जैसे ही ये चावलों का पानी पकेगा हम इसमें चावल डालकर बॉईल कर लेंगे, इसमें कुछ हम डालेंगे थोड़े से जीरा सफ़ेद जीरा डालेंगे, थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, कड़ी पत्ता तेज़पात जिसको कहते हैं वो डालेंगे, तो मिलते हैं जैसे ही पानी हमारा पकने लगेगा। हमने थोड़ा सा तेज़पात भी है, दालचीनी है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है, जीरा है, ये हम ऐड कर देंगे हमारे जो हमने पानी रखा है चावल बॉईल करने के लिए, इसमें ऐड कर देंगे।
मसाले हमने फ्रेश डाल दिए हैं, अब जैसे ही पानी बॉयल होगा हम इसमें डालेंगे अपने चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं, तो जैसे ही पानी पकने लगेगा इसमें हम चावल ऐड करेंगे, तो अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। तो व्यूअर्स हमारा जो पानी था चावल बॉयल करने के बाद पकना शुरू हो गया है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल हमने ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे क्योंकि पानी पक रहा है, अच्छी तरह पक चुका है पानी। पानी हमारा पक चुका था, हमने चावल ऐड कर दिए इसमें, तो अभी कुछ देर में चावल बॉयल हो जाएंगे, फिर हमको दम लगाएंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट का दम लगाएंगे, उसके बाद फिर हम खाने के टेबल पर मिलते हैं और आपको खा के बताएंगे कैसे बने हैं हमारा जो मसल का सालना वो कैसा बना है। चावल तो ऐसी बात है बॉयल ही करनी है, इसमें कुछ हमने ऐड नहीं किया, कोई धनिया वगैरह या कोई मतलब तड़का छड़का नहीं लगाया, खाली वाइट चावल बनाए। तो मिलते हैं खाने के टेबल पर। तो व्यूअर्स हमारा जो मसल चावल से बन के रेडी हो चुके हैं, अभी सब भाई खाना शुरू कर रहे हैं, से पूछते हैं कैसा बना है, टेस्ट करके बताएं। इमरान भाई सालन भी जबरदस्त, देखें बहुत मजे का, बहुत ही मजे के बने, चावल ही बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, लंबे लंबे हो गए हैं, बहुत ही लाइट वेट है। तो व्यूअर्स आप भी अपने घर पे ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है, इजी है। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।